हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति अपना लोन रीपे नहीं कर पा रहा है, यानी कि लोन नहीं चुका पा रहा है, तो क्या बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर सकती हैं, क्या उसके खिलाफ FIR कर सकते हैं? तो दोस्तों, क्या लोन ना चुकाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है या एक सिविल रोंग है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास एक केस आया है, एक मामला आया है बिहार के खगड़िया से, जहाँ पर एक बैंक ने एक व्यक्ति पर FIR करवा दी, क्योंकि वो व्यक्ति लोन नहीं चुका पा रहा था। और किस आधार पर ये FIR कराई, किस सेक्शंस में कराई, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर इस तरह की FIR किसी कर्जदार पर दर्ज की जाती है बैंक के द्वारा विद मैलिफाइड इंटेंशंस इलीगली, तो तब उसका क्या उपाय है, कैसे आप वो FIR क्वाश करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करूँ कि अगर आप अपना लोन, चाहे किसी भी तरह का लोन है, सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, किसी भी तरह का लोन है, अगर आप रीपे नहीं कर पा रहे हैं, जनरली आपके पास रीपे करने का पैसा नहीं है या आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, तो बैंक आपके खिलाफ FIR नहीं कर सकता, क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि एक ये सिविल रोंग है, क्रिमिनल ऑफेंस ये नहीं माना जाता। जब तक कि जो लोन लेने वाला व्यक्ति है, यानी कि कर्जदार है, उसने लोन लेते वक्त कोई जो है फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया, या गलत आईडी पे उसने जो है लोन लिया, या किसी तरह की गपलेबाजी की डॉक्यूमेंट्स में, या अपने रिप्रेजेंटेशन में आइडेंटिटी को लेकर, या और भी जो है किसी तरह का जो रिप्रेजेंटेशन किया है, तो तब जो है बैंक धोखाधड़ी की कार्रवाई कर सकता है, यानी कि सेक्शन 420 के तहत मुकदमा करवा सकता है। लेकिन आपने लोन लिया बैंक से या NBFC कंपनी से, और आपके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, आप पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं बैंक का लोन चुकाऊं, लेकिन उसके बाद जो बैंक है वो आपके खिलाफ FIR कर दे, तो क्या ये लीगल है? दोस्तों, ये बिल्कुल इलीगल एक्ट है, क्योंकि बैंकों को कोई भी पावर्स नहीं है कि वो सिविल ऑफेंस, जो सिविल रोंग है, उसको क्रिमिनल ऑफेंस में तब्दील करें। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक बैंक की जाती होती है। अब मैं आपको जो केस की मैं बात कर रहा था, खगड़िया का ये केस है, और मैं जो है इसका बैंक का नाम भी आपको बता देता हूँ, हालांकि उस व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा जिसके खिलाफ FIR हुई है। ये है द खगड़िया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। उस व्यक्ति ने मुझे ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। इसमें बैंक की तरफ से SHO को लिखा गया है, सेवा में थानाध्यक्ष महोदय खगड़िया, विषय है सरकारी राशि के गमन एवं धोखाधड़ी करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में। यानी कि बैंक ने नॉन पेमेंट को, नॉन रीपेमेंट को 409 यानी कि जो है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, और 420 यानी कि धोखाधड़ी का मुकदमा तैयार करके भेज दिया। जो इसमें लिखा है, महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि फला अमुक व्यक्ति द्वारा जो है एक एप्लीकेशन दी गई थी लोन के लिए, और उनको जो है 3 लाख रुपए का लोन कैश क्रेडिट ऋण दिया गया,
और उक्त स्वीकृत कैश क्रेडिट ऋण के विरुद्ध 297,380 रुपये का उर्वरक की खरीद की गई, यानी कि जो उनका जो है जो फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक है, खाद है, उनका वो व्यापार करते थे जिसके लिए लोन लिया था, द्वारा की गई, किंतु उर्वरक की बिक्री कर राशि की अदायगी बैंक को नहीं की गई है और राशि दिनांक 23/3/2022 को सूद सहित बढ़कर ये हो गई है 417,870 रुपये, और इसमें रुपये हो गया है और उनको कहा गया राशि वापस करने के लिए कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन स्मरित भी किया गया, किंतु आज तक उन्होंने बकाया राशि नहीं लौटाई है। अतः राशि की वसूली नहीं होने के कारण शीर्ष बैंक एवं मुख्यालय के पत्र संख्या 100 द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि आपकी रिकवरी नहीं हो रही है जो कर्जदार है, इसलिए उनको हेड ऑफिस से एक लेटर आया कि आप इस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर दीजिए, वो भी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की, यानी कि IPC के सेक्शन 409 की और 420 की धोखाधड़ी की, जबकि उन्होंने बाकायदा अपने डॉक्यूमेंट्स रख कर जो है उनको एग्जामिन करा के अपना लोन बाकायदा तौर पे स्वीकृत कराया था, लेकिन तब भी जो है हेड ऑफिस से लेटर आया कि इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज की जाए, क्योंकि इनसे पैसे की रिकवरी नहीं हो रही है। तद अनुसार आवेदन के साथ साक्ष्य से संबंधित आवश्यक कागजात संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ सरकारी राशि का गमन करने एवं धोखाधड़ी के आरोप में उनके ऊपर IPC के सुसंगत धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई की कार्रवाई की जाए। यानी कि ये जो है बैंक मैनेजर के द्वारा ये चिट्ठी जो है SHO को भेजी गई है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और फिर उसके बाद जो संबंधित पुलिस स्टेशन था, बैंक का लेटर मिलने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति पर IPC की सेक्शन 409 और 420 के तहत 11/5/2022 को ये मुकदमा दर्ज कर दिया, यानी कि एक सिविल रोंग पर एक क्रिमिनल केस बना दिया कि आपने सरकारी पैसे का गमन किया है और बैंक के साथ धोखाधड़ी है। दोस्तों, ऐसे मामले पूरे देश में बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि बैंक अपना पैसा वापस लेने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उनके रिकवरी एजेंट पहले तो थ्रेटनिंग कॉल्स देते हैं या घर आकर धमकाते हैं, यानी कि जो है उसके बाद अगर पैसा नहीं मिलता है तो तब उनको केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। और ये ताज़ा तरीन मामला जो है आपके सामने है, जहां पर बैंक ने एक नॉन पे रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए जो है एक व्यक्ति के खिलाफ, जो गांव का सीधा साधा व्यक्ति है, उसको कानून की ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसके खिलाफ 406, 409 और 420 का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब दोस्तों बात आती है, ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल इलीगल है और बैंक जो है इस तरह की FIR नहीं करवा सकता, केवल लोन रिकवरी ना होने की वजह से। और जैसे मैंने बताया कि जो कैसे क्या कारण हो सकते हैं कि जब बैंक FIR करा सकता है, अगर वाकई में जो है उस व्यक्ति ने कोई डॉक्यूमेंट्स में या किसी अन्य चीज़ में कोई फ्रॉड किया हो। अब बात आती है कि बैंक ने FIR करा दी और अब पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया, वहाँ पे चार्जशीट पेश की जाएगी। सबसे पहले तो इस व्यक्ति को वहाँ पर जाकर जमानत लेनी पड़ेगी, जो कि इसने अभी हाल ही में ली है, लेकिन मुकदमा चलेगा, क्रिमिनल केस चलेगा, और ये बहुत ही एक सीरियस ऑफेंस है कि सरकारी पैसे का गमन का आरोप लगाना और 420 का केस, यानी कि धोखाधड़ी।
तो अब इसमें बचाव क्या है? जैसा कि मैंने उनको बताया कि इसमें क्या लीगल रेमेडी क्या आपके पास अवेलेबल है कि जब भी इस तरह का कोई फेक एफआईआर या इलीगल एफआईआर आप पुलिस और बैंक की मिलीभगत से आपके खिलाफ दर्ज की जाती है, तो आप जो है अपने संबंधित हाई कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 484 के तहत क्वाशिंग की पटिशन आप वहां पर फाइल कर सकते हैं और सारे फैक्ट्स बताएं कि कैसे जो है आपने लोन की स्टेटमेंट उसके साथ अटैच करें पटिशन के साथ, और जो भी बैंक ने नोटिस भेजे हैं जहां से आपकी ईएमआईज ड्यू होना शुरू हुई और कितनी अनपेड ईएमआई, ये सब जो है लोन अकाउंट में होता है, पूरे फैक्ट्स आप जो है हाई कोर्ट की पटिशन के साथ लगाएं और हाई कोर्ट ही जो है इस एफआईआर को क्वाश कर सकता है। क्योंकि अगर आपने ये साबित कर दिया कि बैंक ने जो है दुर्भावना से जो है गैर कानूनी तरीके से मनमाने तरीके से आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, तो निश्चित तौर पर आपको माननीय हाई कोर्ट से ज़रूर न्याय मिलेगा और ये एफआईआर आपकी क्वाश हो सकती है। और अगर आपने क्वाशिंग की पटिशन संबंधित हाई कोर्ट में नहीं फाइल की तो तब जो है ऐसे केस में आपको सज़ा भी हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।